So we have already discussed refraction at plane surface. Plane surface refraction के साथ हमने refractive index का concept भी पढ़ा था. What is refractive index? Actually refractive index material की optical density का measure है कि optical density ज़्यादा है या कम है with respect to other medium. Whenever we are talking about refractive index, it is with respect to some reference medium. So in most of the cases we are having air or vacuum as reference, but aisa koi zaruri nahi hai. For example, refractive index of glass with respect to air bhi likh sakte hain hamare 12th class mein. With respect to air means with respect to vacuum bhi ho sakta hai, means both things are considered same, air or vacuum, but in fact they are different. In higher classes you will come to know, but right now air can be taken as reference or vacuum also can be taken as reference. The values will be the same in class 12. But aisa koi zaruri nahi hai ki hamesha air ko hi reference mane. Refractive index of glass with respect to water bhi likh sakte hain ya with respect to some other material bhi likh sakte hain. Theek hai, to refractive index ek quantity hai, relative quantity, jo hame ye batati hai ki ek medium dusre wale se kitna ऑप्टिकली डेंसर है. ठीक है, फिर ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी का भी डिफरेंस हमने पढ़ा था, दोनों में क्या डिफरेंस है. फिर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का एप्लीकेशन जो था वो हमने प्रिज्म में किया था. ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, द सरफेस विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन, द वॉल्यूम और यू कैन से द ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इज नोन एज प्रिज्म. ठीक है, ऐसे ही लेंस भी होता है, ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस. तो कर्व्ड सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे उसके बाद रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस भी हम पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो पहले रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस हम आज शुरू करते हैं. और जब भी रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस टुडे वी आर डूइंग, ऐसा जब भी हम कहें तो ये समझ जाना कि हमें इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर केस पता लगाना है. तो इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इज सिंपली स्नेल्स लॉ. ये देखो तुम्हारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्नेल्स लॉ, ये जो लिखा है इसी को इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, यही है हमारी इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन की जो जनरल फॉर्म है, द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इज दिस, साइन आई बाय साइन आर is equal to refractive index of second medium with respect to first medium. यही equation of refraction है, but उस particular case में, जैसे कि हमारा prism वाला case था, prism वाले case में हमने angle of incidence और angle of refraction की values को निकाला. जिन बच्चों को याद है उन्होंने देखा था कि I और R की जो value है, angle of incidence और angle of refraction की value जब हम इस इक्वेशन में यानी इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है जिसे हम प्रिज्म इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, वो इक्वेशन क्या थी अगर किसी को याद हो तो बता सकते हैं. वो इक्वेशन थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन, इनको रिलेट करने वाली इक्वेशन थी. तो क्या इक्वेशन थी, साइन आई बाय साइन आर में हमने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो इधर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल आउटसाइड द प्रिज्म ये हमें मिल जाता है. ठीक है, तो क्या इक्वेशन आई थी, उसमें आई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेशन आ गई थी. ये प्रिज्म के लिए इक्वेशन है. तो इसी तरह से आई और आर की वैल्यू उस पर्टिकुलर केस के लिए हम लिखते हैं स्नेल्स लॉ में, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए जो इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमें मिल जाता है. ठीक है, तो ये सारी तो पुरानी बातें हैं. अब हमारा आज का जो डिस्कशन है वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस है, तो हम स्फेरिकल सरफेस के लिए भी वैसा ही करेंगे. आई और आर की वैल्यू, ये जो यहाँ साइन आई और साइन आर लिखा है इसमें आई और आर की वैल्यू पता लगाएंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर स्फेरिकल सरफेस मिल जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम. रे ऑप्टिक्स में डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और डायग्राम कैसे बनाना है वो देखो.
देखो इस डायग्राम में हमने एक स्फेरिकल सरफेस लिया है, ठीक है। ये स्फेरिकल सरफेस है, कौन सा? ये वाला, ये एक स्फेरिकल सरफेस था, दिस वन, ये स्फेरिकल सरफेस है। ये AP जो कर्व्ड सरफेस दिखाई दे रहा है, सपोज दैट इज ए स्फेरिकल सरफेस, और इस स्फेरिकल सरफेस के एक तरफ यानी लेफ्ट साइड में ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। सो व्हेन वी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1, सो इट इज ऑब्वियस दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अभी जो बात बोली उसका मीनिंग क्या है उसको फिर से समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ये होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बताते हैं वो किस मीडियम के रेस्पेक्ट में वो बताना होता है। अगर नहीं बताया गया, सिर्फ ये बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज विद रिस्पेक्ट टू एयर और विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट अभी दोबारा से रिवीजन के लिए बता दिया है, ठीक है। तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस AP जो दिखाई दे रहा है, उसके लेफ्ट साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, ठीक है। और जो राइट साइड में मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। और हमने ये मान लिया रिफ्रैक्शन तभी होता है जब दोनों साइड के, सो AP इज आवर कर्व्ड सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। सो फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस P इज द पोल एंड C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये जो कर्व सरफेस है ये किसी स्फेरिकल सरफेस का पार्ट था, तो अगर हम ऐसे एक स्फेयर बनाएं, ठीक है, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C और P है पोल फॉर द स्फेरिकल सरफेस। तो अब जो भी सारे डिस्टेंसेज हैं वो पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस से मेजर किए जाते हैं, ये PO, PC, ये सारे डिस्टेंसेज। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि जो डिस्टेंसेज हम मेजर कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, कहां पर? O पॉइंट पर, यहां हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा, ठीक। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से हम एक लाइट रे लेंगे, वो लाइट रे इस स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होगी। तो सपोज A जो पॉइंट यहां दिखाई दे रहा है, दिस पॉइंट A इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए लाइट रे। तो हम यहां एक लाइट रे पहले बना लेते हैं, तो O से A पर हम एक लाइट रे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी लाइट रे होगी, ठीक है। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, O से A, ये हमारी लाइट रे होगी, ठीक। और लाइट रे पर एरो जरूर बनाना है, ये रे ऑप्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं। लाइट रे के ऊपर एरो जरूर बनाना है, इससे हमें पता चलता है कि लाइट रे किधर से किधर जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में लाइट रे O जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उससे A की तरफ जा रही है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो लाइट रे O से चलकर जब A पॉइंट पर पहुंचती है तो वहां पर मीडियम चेंज हो जाता है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 वाला मीडियम है और इधर n2 वाला। तो जब भी मीडियम चेंज होगा तो लाइट रे का पाथ भी चेंज हो जाएगा, विच इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ। ओके, तो A पॉइंट पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने के लिए हमें A पॉइंट पे नॉर्मल भी ड्रॉ करना होगा, जैसे स्नेल्स लॉ में पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाएंगे, फिर नॉर्मल से जो इंसिडेंट लाइट का एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड लाइट का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो A पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है। तो प्लेन सरफेस अगर होती है, मान लो प्लेन सरफेस थी, तो इसके किसी पॉइंट पे नॉर्मल बनाना तो इजी होता है, ऐसे 90 डिग्री पे लाइन बना दिया तो हमारा नॉर्मल बन गया। लेकिन ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है इस पर नॉर्मल कैसे बनाए? तो बहुत ही बेसिक सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से कनेक्ट कर दो तो वो उस पॉइंट पे नॉर्मल होता है। तो A पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना है और C हमारा सेंटर है।
तो अगर सी से ए की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अब देखो डायग्राम बनाते समय इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि लाइट रे का जो एक्चुअल पाथ है, जैसे ओ से ए लाइट रे जा रही है, तो इसे तो हम सॉलिड लाइन से बनाते हैं, और अगर नॉर्मल बनाना है तो उसको डॉटेड लाइन से बनाया जाता है। ठीक है, तो सी से ए की तरफ हम एक डॉटेड लाइन से नॉर्मल बना लेते हैं। तो ये सी से ए की तरफ हमने एक लाइन ज्वाइन कर दिया, तो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ए है पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस, तो इसलिए सी ए विल बी द नॉर्मल एट पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बन गया, ये जो पर्पल वाला दिखाई दे रहा है सी ए, तो सी ए और ओ ए के बीच जो एंगल है दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, तो लाइट रे का पाथ चेंज हो जाएगा। लाइट रे एक्चुअली इस पाथ पे जा रहा था, कौन से पाथ पे, ये था लाइट रे का पाथ। ठीक है, इसको हमने ओ ए लाइन को आगे बढ़ाया, तो ये लाइट रे का पाथ है, इससे लाइट रे डेविएट होगा। लाइट रे डेविएट किधर होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, दैट सेकेंड मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। इफ द सेकेंड मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर देन ऑन विच साइड द रिफ्रेक्टेड लाइट रे विल गो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। लाइट रे किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे मुड़ेगा, यानी कि इस तरफ लाइट रे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरफ लाइट रे जाएगा, तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से बना लेते हैं और लाइट रे को टुवर्ड्स द नॉर्मल इसको डेविएट कर देते हैं। तो ये हमारा लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट हुआ और प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां जाकर मिलेगा वही बन जाएगा इमेज। ठीक है, ये लाइट रे हमारा इधर आ गया। ठीक है, और लाइट रे पर एरो बनाना जरूरी है, अगर एरो नहीं बनाया तो हमारा डायग्राम गलत माना जाएगा, भले ही सब कुछ सही हो, बिकॉज एरो से ही पता चलता है लाइट रे किस साइड से आ रहा है और किस साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने एरो बना लिया, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पे इंटरसेक्ट किया, दैट इज द इमेज फॉर्मड बाय द स्फेरिकल सरफेस। नाउ विच विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सी ए आई जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में डायग्राम में बना लिए, बट हमें स्नेल्स लॉ में आई और आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ये आई और आर है, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो हमें इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा। इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन जो हम निकालेंगे वो हमारा नोन क्वांटिटीज के टर्म्स में होना चाहिए। सो विच आर द नोन क्वांटिटीज, नोन क्वांटिटीज हैं पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस, दीज डिस्टेंसेज आर नोन क्वांटिटीज एंड द रिफ्रेक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडिया ऑन द आइदर साइड ऑफ द सर्फेस। तो आई और आर की वैल्यू करनी है इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज, यानी कि डिस्टेंसेज के टर्म्स में। अब एंगल को डिस्टेंसेस के टर्म्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये हमने छोटे क्लास में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि एंगल और डिस्टेंसेस का क्या रिलेशन होता है। तो अब हम यही करेंगे, क्या करना है, एंगल्स को डिस्टेंसेस के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए हमें चाहिए राइट एंगल्स। इस डायग्राम में एक भी राइट एंगल नहीं दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या, कोई राइट एंगल नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला काम होगा हम कुछ ऐसा करें कि हमें राइट एंगल्स दिखाई दें। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए पॉइंट जो है यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉप करें प्रिंसिपल एक्सिस पर, ए एन, ये जो हमारा नॉर्मल बन गया, ठीक है, ए एन हो गया नॉर्मल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखाई देने लगे। कौन कौन से, देखो ए ओ एन राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ए ओ एन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दिया। और कौन से राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा है, ए सी एन, ए आई एन, ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स हमें दिखाई देने लगे। अब एंगल्स को डिस्टेंसेस के टर्म्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे लिखें, देखो ये वाला ट्रायंगल देखो पहले कौन सा, ये ए ओ सी, ए ओ सी ट्रायंगल है, और एक कौन सा है, ए आई सी ट्रायंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल्स में हम
इनके नाम रख देते हैं, कौन से एंगल्स के, ये वाले जो एंगल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये एंगल एक दिख रहा है ये, इसका नाम रख देते हैं अल्फा, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं बीटा, और इसका नाम रख देते हैं गामा, ठीक है। ये तीन एंगल्स के हमने नाम रख दिए, कौन कौन से, एओसी, एसीओ और एआईओ, इन ट्रायंगल्स के, ट्रायंगल्स में जो एंगल थे उनके नाम रख दिए। बस क्या याद रखना है, सिंपल है, इसको कैसे याद रखना है, ऑब्जेक्ट जहां पर है वहां एक एंगल लेना है अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां है वहां एक एंगल लेना है बीटा, इमेज जहां पर है वहां एक एंगल लेना है गामा, ठीक है। अब देखो आई और अल्फा का रिलेशन बताना है, आई अल्फा और बीटा का रिलेशन, आर बीटा और गामा का रिलेशन, ठीक है। नाउ सी ट्रायंगल्स एओसी, ट्रायंगल्स एआईसी और ट्रायंगल एसीओ, इनको हमें यूज करना है, ठीक। ट्रायंगल एओसी को देखो पहले, ट्रायंगल एओसी, ठीक है, एओसी में आई अल्फा और बीटा का क्या रिलेशन है, आई इज द एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल एओसी, देखो ध्यान से, आई क्या है, एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल एओसी, तो एक्सटीरियर एंगल आई विल बी इक्वल टू सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा का सम होगा, बिकॉज आई एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा और बीटा इंटरनल एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड में जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे नाम गामा हमने पहले दिया था, इसको चेंज कर देते हैं, जो अभी है उसको ले लेते हैं, या फिर इधर ही चेंज कर दें सबसे अच्छा रहेगा, इसको कर देते हैं गामा और इसको बीटा, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा ही होना चाहिए, चलो इसको गामा कर दिया और इसको बीटा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है, ये आ गया एक क्वेश्चन, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली इन ट्रायंगल एआईसी, एआईसी ट्रायंगल में देखो गामा इज द एक्सटीरियर एंगल, आर एंड बीटा आर इंटीरियर एंगल्स, तो गामा विल बी इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो गामा हो जाता है आर प्लस बीटा, और यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ में यूज करने के लिए हमें आई और आर चाहिए था, हमने आई भी निकाल लिया आर भी निकाल लिया, बट अगेन द सेम थिंग, हमें आई और आर की वैल्यू चाहिए डिस्टेंसेस के टर्म्स में, लेकिन ये वैल्यूज हमें मिले हैं किसके टर्म्स में, अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में मिले हैं, ठीक है। तो इनको अभी हमें डिस्टेंसेज में कन्वर्ट करना है, अल्फा बीटा गामा को। अब देखो अल्फा बीटा गामा कैसे कन्वर्ट होंगे डिस्टेंसेस के टर्म्स में, तो इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं, तो डिस्टेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। देखो कैसे चेंज होगा, ट्रायंगल एओएन अगर हम लेते हैं, ट्रायंगल एओएन, तो यहां से हमें टैन अल्फा मिल जाएगा, ट्रायंगल एसीएन अगर लेते हैं तो हमें यहां से टैन गामा मिल जाएगा, ट्रायंगल एआईएन अगर हम लेते हैं तो हमें यहां से टैन बीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस। देखो यहां पे कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है, ये देखो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, टैन अल्फा की वैल्यू ये रही, दिस इज टैन अल्फा, देखो डायग्राम में क्या लिखा है, एन ए बाई एन ओ, अब जरा ध्यान देना एन ए ही क्यों लिखा है, ए एन क्यों नहीं लिखा, देखो टैन अल्फा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, टैन अल्फा की वैल्यू देखें, टैन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर दिस इज द बेस, तो परपेंडिकुलर है एन ए और बेस है एन ओ, ठीक है। अब एन ए और एन ओ लिखने का भी पर्पस है, ए एन नहीं लिखा है, ठीक है, ना ओ एन लिखा है, क्यों लिखा एन ए और क्यों लिखा एन ओ, उसका रीजन है साइन कन्वेंशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। व्हाट इज साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पोल, पोल से हमें डिस्टेंसेज मेजर करना है, और प्रिंसिपल एक्सिस से अप और डाउन ऐसे डिस्टेंसेज मेजर करना है। तो पोल के पास में हमारा पॉइंट है एन, तो एन से ओ की तरफ हमें जाना है, ठीक है, पोल के रेस्पेक्ट में, यानी पोल से स्टार्ट करना है।
तो एंड पॉइंट एग्जैक्टली पोल पर तो नहीं है बट पोल के पास है, अप्रोक्सीमेटली उसी जगह पे है। क्यों है ये अभी आगे डिस्कस होगा। और ए पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो उधर भी हम एन से ए की तरफ जाएंगे, ना कि ए से एन। ओके, एन टू ए। तो टेन अल्फा हो गया एन ए बाई एन ओ परपेंडिकुलर बाय बेस। सिमिलरली टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यू भी कैलकुलेट की जाएगी। तो टेन बीटा, टेन गामा, टेन अल्फा सबकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यूज हमें मिलते हैं। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा। ये टेन अल्फा, ये वाला टेन अल्फा, ये रहा टेन बीटा और ये टेन गामा, इनकी वैल्यूज हमने निकाल दी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस है, एपर्चर का मतलब क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले वाले क्लासेस में। एपर्चर का मतलब है कि वो पार्ट मिरर का या किसी सरफेस का जहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, इफ दैट पार्ट इज वेरी इज हैविंग वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है। देखो एपर्चर का मतलब है ये जो तुम्हें यहाँ पे कर्व सरफेस दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो कर्व सरफेस दिखा है अगर ये बहुत छोटा होता तो क्या होता। अगर ये सरफेस बहुत छोटा होता तो ए और पी पॉइंट भी बहुत पास पास आ जाते। देखो जितना डायग्राम में दिख रहा है उसकी बजाय अगर इतना सा सरफेस होता तो पी पॉइंट यहाँ होता और ए यहाँ पर होता, ए और पी बहुत नजदीक आ जाते हैं। ए और पी के बहुत पास पास आने से जब हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, देखो यहां से परपेंडिकुलर से ड्रॉप किया ए एन, तो देखो एन और पी भी अप्रोक्सीमेटली कोइंसाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है। इफ द एपर्चर इज स्मॉल देन ए एंड पी विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज एन, एन विल अप्रोक्सीमेटली कोइंसाइड विद पी, एन पी के साथ कोइंसाइड करने लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा दे विल आल्सो बिकम वेरी स्मॉल, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बना के देखें, ओ ए हमने मान लो लाइन बनाई, तो देखो अल्फा एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। तो दो बातें होंगी, अगर अपर्चर स्मॉल है तो दो बातें होंगी, क्या होंगी कि एन एंड पी विल कोइंसाइड एंड ऑल्सो द एंगल्स अल्फा बीटा गामा विल बिकम वेरी स्मॉल। तो स्मॉल एंगल्स के लिए एक सिंपल मैथमेटिकल रिजल्ट है क्या कि टेन अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल और साइन अल्फा विल आल्सो बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, यानी एंगल्स का टेन और साइन अप्रोक्सीमेटली उन एंगल्स के ही बराबर आ जाता है। तो यहां जो हमने लिखा था टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा दे विल बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, देखो टेन अल्फा था ये अप्रोक्सीमेट हो गया अल्फा के बराबर, टेन बीटा था इट बिकम्स बीटा, टेन गामा अप्रोक्सीमेटली बिकम्स गामा, ठीक। तो स्मॉल एंगल्स की वजह से अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यूज हमें मिल गई, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा का हम क्या करेंगे, इक्वेशंस जो आए थे आई और आर वाले इनमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्योंकि डिस्टेंसेस के टर्म्स में है तो I और R की वैल्यूज भी डिस्टेंसेस के टर्म्स में हमें मिल जाएंगे। डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है और इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं इसीलिए तुम्हें हो सकता है लग रहा हो कि बहुत बड़ा डेरिवेशन, बहुत बड़ा नहीं है। अभी इसको लास्ट में फिर से समराइज करेंगे, ठीक है, कि इसमें कुछ स्टेप्स हैं हमें याद रखना है कि ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, ठीक है। ओके, तो आई और R की वैल्यूज जो थी हमारी इक्वेशन 1 और 3 में उसमें हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो सभी में Na डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में, सब में Na आ रहा है, अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यूज में। थोड़ा सा कंजेशन हो गया, इसको कम कर दिया जाए। सी अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यूज में, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में Na आता है Na, तो ये Na हमारा यहाँ कॉमन आ गया, ठीक है। और R की वैल्यूज में भी जब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज डालेंगे तो Na कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 1 by NO plus 1 by NC, 1 by NC minus 1 by NI। ये तुम खुद से करके देखना, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज उन ट्रायंगल से निकालेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आई और आर की वैल्यूज आ गई हमारी डिस्टेंसेस के टर्म्स में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आई और आर की वैल्यू हमें
डिस्टेंसेस के टर्म्स में चाहिए। अब क्या करेंगे, फिर से हम अपने इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि स्नेल्स लॉ को उठाएंगे। स्नेल्स लॉ हमारा ये रहा, यह है स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन टू बाई एन वन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एन टू साइन आर इक्वल टू एन वन साइन आई आ गया। अब हम यहाँ पर आई और आर की ये वाली वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, ये जो वैल्यूज हमने अभी निकाली है आई और आर की वैल्यूज। स्मॉल एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो जाएगा, तो साइन आई विल अप्रोक्सीमेटली बिकम इक्वल टू आई एंड साइन आर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। तो एन वन साइन आई की जगह हम लिखेंगे एन वन आई और एन टू आर की जगह पर एन टू साइन आर की जगह लिखेंगे एन टू आर। ओके, तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ भी यूज हुआ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन टू बाई एन वन से ये हमें मिल गया एन वन आई इक्वल टू एन टू आर। अब यहाँ पे आई और आर की वैल्यूज, ये जो आई और आर की वैल्यूज आई थी ये वाली, इनको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया एन वन, और ये पूरी है आई की वैल्यू, ये पूरी है आर की वैल्यू, और देखो एन ओ जहां पर था वहां पर पी ओ हो गया, एन सी जहां था वहां पी सी हो गया, ठीक है, और एन आई जहां था वहां पे पी आई हो गया, बिकॉज एन एंड पी को इनसाइड, दे को इनसाइड बिकॉज द एपर्चर इज स्मॉल। ओके, एन ए बोथ साइड से डिवाइड हो जाएगा, ये जो एन ए आ रहा था ना यहाँ पे, ये एन ए डिवाइड हो जाएगा जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके बाद कुछ काम नहीं बचा, बस हमें रीअरेंज करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यूजिंग साइन कन्वेंशन। नाउ सी, पी ओ पी सी और पी आई इनकी वैल्यू साइन कन्वेंशन यूज करके हमें लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अब फिर से हम डायग्राम में जाते हैं, नाउ सी पी ओ पी सी पी आई की वैल्यूज हमें लिखनी है, जरा ध्यान से देखना, अगर साइन कन्वेंशन गलत कर दिया तो सारी मेहनत बेकार, जितना अभी तक किया सब बेकार जाएगा। देखो पीओ पीसी और पीआई की वैल्यूज क्या क्या है, पीओ क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। नाउ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पोल कंसीडरिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर से आ रहा था, किधर से किधर लाइट था, लेफ्ट टू राइट लाइट रे आ रही थी, तो इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे पोल के रेस्पेक्ट में तो पॉजिटिव होगा, पोल के रेस्पेक्ट में बोला है मतलब यहां से जाना होगा, किधर भाग गया मेरा डायग्राम, पोल के रेस्पेक्ट में हमें जाना है, तो पोल के रेस्पेक्ट में ये रहा हमारा यहाँ पे पोल, तो पोल से इस तरफ अगर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और पोल से इस तरफ अगर जाएंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पीओ पोल से हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि PO विल बी नेगेटिव, और PO को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी लिखेंगे माइनस, ठीक है, माइनस क्यों है, क्योंकि नेगेटिव। नाउ PC पोल से राइट साइड में है, तो PC विल बी इक्वल टू प्लस R। व्हाट इज R? R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल सरफेस पर पॉइंट है P और C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, एंड प्लस साइन इंडिकेट्स दैट द C पॉइंट इज on the right side of the pole, इसीलिए plus r लिखा जाएगा। And how much is the PC? PC को हम लिखेंगे plus v, ठीक है, v image distance के लिए लिखते हैं, और plus क्यों है, क्योंकि image हमारा pole से right side में। तो PO, PC और PI, ये I है, PO, PC और PI की जो values हैं, इनको हम अपने equation में substitute कर देंगे। ये हमारा equation आ गया यहाँ पर, PO की value minus u, PC की वैल्यू प्लस आर, PC की वैल्यू प्लस आर, PI की वैल्यू प्लस V, ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस यू प्लस आर प्लस आर प्लस V, ठीक है। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि जब हमने यहाँ पे रीअरेंज किया था ना, ये देखो ये माइनस यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो साइन कन्वेंशन की वजह से नहीं आया, वो पहले से था। तो PO PC PR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अब हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, ये इक्वेशन को रीअरेंज किया हमने, और फाइनली हमारे पास आ जाता है इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इस इक्वेशन को एकदम याद कर लो, रट लो एकदम, क्योंकि ये इक्वेशन अभी बार बार यूज होने वाला है।
ठीक है, एक बार लिखकर बता देते हैं क्या क्या इक्वेशन है। एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। इस इक्वेशन को एकदम दिमाग में बैठा लो, इसको भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस हुआ। इसमें कुछ स्टेप्स थे, क्या स्टेप्स थे उसको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं, जिससे तुम्हें डेरिवेशन करने में आसानी हो। कोई लंबा डेरिवेशन हो तो हमें बीच बीच में उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, देन इट बिकम्स इजी टू फॉलो दैट डेरिवेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है, पहला काम तो है रे डायग्राम। बिना इसके डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, जब तक रे डायग्राम सही नहीं होगा तुम्हारा पूरा डेरिवेशन का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज डायग्राम के रेफरेंस में ही तुम डिस्टेंसेस लिखते हो, पॉइंट्स हैं डिफरेंट और डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ये सारी चीजें डायग्राम से ही चलती हैं। डायग्राम में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रे पर हमें एरो बनाना है, ठीक है, लाइट रे किधर से किधर जा रहा है, एरो बनाना जरूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट है वो सॉलिड लाइन से बनाना है, और जो हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किए हैं डायग्राम में, जैसे कि नॉर्मल बनाया, वो हमें बनाना है डॉटेड लाइन से। तो ये ध्यान रखना है कि हमें डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन दोनों यूज करने हैं, ओनली सॉलिड लाइन यूज करोगे तो डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाएगा। दूसरी बात क्या करनी है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहचानना है कहां कहां पर होगा। तीसरी बात क्या है, अल्फा बीटा और गामा एंगल्स, ये हमें नाम लिखने हैं, ठीक है। किसी को भी अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जहां हमने तुम्हें अल्फा लिखा वहीं पे तुम अल्फा लिखो, कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई और आर को इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा लिखेंगे, ठीक है, आई एंड आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा और गामा लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेज लिखेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेज लिखने के लिए हमें ए एन नॉर्मल बनाना पड़ेगा डायग्राम में, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स मिलेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेज आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्मॉल अपर्चर वाला हमें अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, ठीक है, स्मॉल अपर्चर अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। उससे क्या होगा, उससे हमारा अल्फा बीटा गामा स्मॉल एंगल्स हो जाएंगे, और फिर उससे tan alpha will be equal to alpha, tan beta will be equal to beta, and tan gamma will be equal to gamma, ये use करना है। After that, next step क्या होगा, I और R में alpha, beta, gamma की values substitute करनी है, ठीक है। Then next step क्या होगा, फिर हमारा जो equation of refraction है sin I by sin R equal to n2 by n1, इसमें हम cross multiplication करेंगे, sin i n1 sin i equal to n2 sin r, और approximation यूज करने की वजह से ये हो जाएगा n1 i और इधर हो जाएगा n2 r, then we'll substitute the value of i and r, जो यहाँ पे values आए थे वो i और r यहाँ substitute करेंगे, और फिर हमारा second last point क्या होगा, second last point होगा हम यहाँ यूज करेंगे sin convention, sin convention के according हम PO, PC और PI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और लास्ट होगा रीअरेंजमेंट, जो हमारे टर्म्स आए हैं उनका रीअरेंजमेंट करेंगे, और हमें लास्ट में ये इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को एकदम अच्छे से रट लेना है, बार बार यूज होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना दो तीन बार इस डेरिवेशन की, रे डायग्राम की प्रैक्टिस करना, तो उसके बाद याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है।